अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली इंटरनेशनली प्रमोट करने के सिलसिले में हमेशा ही आपसे इम्पोर्टेंट और पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में बहुत आला मुकाम हासिल किया होता है बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए आला खिदमत सर अंजाम दी होती है। आज मेरी 115वीं यानी कि 115 एपिसोड होने जा रही है और हमारी हर एपिसोड ही आप लोगों के लिए ज़्यादा अहम तरीन तब हो जाती है कि जब एक अहम पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ जाती है। आज जिस पर्सनालिटी को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अकेडमिया के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात है। पाकिस्तान के अगर हम एजुकेशन के ऊपर बात करें तो हमारे पास बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बहुत अच्छे नाम आए तदरीस के हवाले से, लेकिन एक पर्सनैलिटी जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है। मैं थोड़ा सा मुख्तसर तारफ़ कराने की कोशिश करूँगा उनका, लेकिन उससे बाद मैं कोशिश करूँगा कि वह ख़ुद अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी आपको बताएँगे और ख्वाबों से तबीर का ये सफ़र वो ख़ुद बताएँगे कि लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से एक ऐसा शख्स जिसने अपने ज़िंदगी का आगाज़ किया और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ कनाडा और फिर एक मुल्क पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात, एक वक्त ऐसा भी आया कि सऊदी गवर्नमेंट ने उनको एज ए कंसल्टेंट अपने मुल्क में फिनांस को और मार्केटिंग को देखने के लिए बुलाया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों में से शुमार किए जाते हैं मेरे मोहसिन हैं, जी हाँ, डॉक्टर नदीम भट्टी साहब। ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब की कहानी उन्हीं के ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद आपको ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में जो कि पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज है। डॉक्टर साहब, आज मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के अकेडमिया के हवाले से एक ऐसी पर्सनैलिटी के सामने मैं बैठा हूँ कि जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की है एजुकेशन के डिपार्टमेंट में बल्कि दुनिया में जहाँ भी आप गए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कनाडा हो, जैसे मैं सऊदी गवर्नमेंट की भी बात की है, तो सर ऐसा क्या उनको नज़र आया आप में कि सऊदी गवर्नमेंट आपको कनाडा से उठा के लेगी और आपने अपने फतूहात के झंडे गाड़ दिए वहाँ पर? थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताइएगा, ख्वाबों से तबीर के इस सिलसिले को हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ, प्लीज़। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, लाहौर लेडी यूनिवर्सिटी में आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पर। एक और इस बात पे बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े नोन लर्नड स्कॉलर्स का और पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं आपने मीडिया के थ्रू, और आज मेरा भी शुमार उसमें हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट। प्रिया जी, मैं लिटिल बिट अबाउट मी, आई स्टार्टेड माय करियर विद पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एज ए लेक्चर एज ए प्रोफेसर अपना करियर स्टार्ट किया, दैट वॉज 1987। And I used to work with Department of Business Education. 95 में I moved to Canada, sorry Australia. Australia से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, PhD की। ऑस्ट्रेलिया में मैं अपनी यूनिवर्सिटी का यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, वहाँ की यूनिवर्सिटी की सेनेट का मैं मेंबर रहा। ऑस्ट्रेलिया से मैं अपनी PhD ख़त्म करके आई केम बैक टू पाकिस्तान। आई स्टार्टेड वर्किंग विद पंजाब यूनिवर्सिटी अगेन and I became head of the department there. Phir main after some time I moved to Canada in 2002 mein I moved to Canada with my family. Main wahan pe migrate kar gaya and I spent around 20 years in Canada and I was head of group of training colleges there. When I was in Canada to mujhe Saudi government ne approach kiya to work as a सीनियर कंसल्टेंट, इट्स लाइक एडवाइज़र फॉर द सऊदी गवर्नमेंट, और आई फेल्ट अट्रैक्टेड कि मुझे सऊदी अरेबिया से चूँकि पाकिस्तान करीब है तो आई कैन विजिट पाकिस्तान मोर फ्रीक्वेंटली, दैट्स व्हाई आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर। प्लस इट वाज अ न्यू फील्ड एंड न्यू एक्सपीरियंस, तो आई थॉट कि आई शुड एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। तो आई वर्क विद द सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज ए senior consultant as an advisor. Mashallah. Yeah, and that was a great opportunity and to see things from a different angle.
मुझे याद है कि उन दिनों में ही सदी क्राउन प्रिंस ही विजिटेड पाकिस्तान, तो उसके लिए जो पैकेज बन रहा था जिसमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट हम कर सकते। आई यूज टू वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन दोज डेज, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वो पैकेज उन दिनों में बनाए। ऑनर की बात है। सो इट वाज लाइक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ डिफरेंट रोल। माशाल्लाह। एंड देन आई केम टू पाकिस्तान अगेन, और अब मैं यहाँ पर लाहौर लीड यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर काम करता हूँ। ये जो पाकिस्तान की मोहब्बत है और ये जो लाहौर की मोहब्बत है स्पेशली, ये आपको खींच लाई लीड यूनिवर्सिटी में। तो सर, ये इतना सारा लंबा सा सफ़र, ख्वाबों को जो सिलसिला था, जो बचपन के ख्वाब थे जो देखा करते हैं डॉक्टर साहब, तो ये वो ख्वाबों की तबीर है कि ये उससे हटके कोई तीसरी लाइन में आ गई थी? यानी कि ये ख्वाब था आपका कि ऐसे ही होगा और आप तदरीस के शोबा में तरक्की करेंगे, बचपन के ये ख्वाब थे कुछ ऐसे? देखिए, हमारे बचपन में तो बहुत ज़्यादा, चूँकि हम तो अनगाइडेड लाइफ जैसे होते हैं बचपन में, हम पता ही नहीं होता कहाँ जाना है हमने। लेकिन मेरी मास्टर्स में आके मुझे समझ आ गई थी कि ये रोल है जो मैंने प्ले करना है टीचिंग वाला, तो फिर मैं तदरीस में आ गया। अब रह गया कि लाहौर में आने की बात, वो कहते हैं ये लाहौर से मोहब्बत है या किसी और से मोहब्बत है। लाहौर इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, इट गिव्स यू ऑल प्लेजर ऑफ लाइफ। आई एंजॉय माई स्टे इन लाहौर, आई लव लाहौर। मेरे बच्चे भी मुझे पूछते हैं कि आप पापा हाउ कैन यू एंजॉय इन पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ यार लेट मी लिव देयर, आई एंजॉय माई लाइफ हेयर। अच्छा, आप लाहौर में क्यों आ गए? उसका जवाब यही है कि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपके जो मकसद होते हैं उसमें एक तो ये होता है कि आप अपनी एजुकेशन में यू अचीव समथिंग हाई, और फिर होता है कि कुछ पैसे कमा लें, कुछ डॉलर कमा लें, फ्यूचर हर पाकिस्तानी या किसी का भी। अब हम चार पैसे कमा लिए, बच्चे भी पढ़ा लिए, बच्चे प्लेस भी हो गए, तो अब मुझे लगता था कि आप पाकिस्तान से बाहर रहना बेमकसद है, तो वापस अपने मुल्क में जाना चाहिए, और जो हमने वहाँ से सीखा है, जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं, उन सब से पाकिस्तान को बेनिफिट देना चाहिए। एंड आई एम डूइंग इट और आई एम एंजॉयिंग इट, और मुझे यहाँ की डस्ट डस्ट नहीं लगती, यहाँ का धुआं धुआं नहीं लगता, यहाँ का शोर शोर नहीं लगता। यहाँ मुझे वो पुराने खूबसूरत दोस्त मिले हैं जिनके साथ बैठ के शामें गुजारते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री और आई एंजॉय हियर। तो सर डॉक्टर साहब, लाहौर की चूँकि बात हो रही है, वो लाहौर बचपन वाला लाहौर और आज के लाहौर में क्या डिफरेंस आपने पाया है? मुझे तो अच्छा लगा है, मुझे लगा है अब लाहौर पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। लाहौर में स्टैंड भी हो गया, यू हैव मोर फन नाउ, यू हैव मोर एक्टिविटीज नाउ। मैं मेरे जब अर्ली डेज से मेरा सोशल सर्कल छोटा था, अब सोशल सर्कल बड़ा हो गया, तो आई एंजॉय मोर नाउ देन बिफोर। सो मुझे लगता है कि लाहौर में नाउ मोर थिंग टू ऑफर है। मैं गया ग्रीस में, मैं यूनान में गया हुआ था, एथेंस में, तो मैं गया एथेंस में इसलिए कि वहाँ हिस्ट्री है, एथेंस हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री को देखने के लिए ही गया। लेकिन जब मैंने दो दिन वहाँ गुजार लिए तो मुझे उन्होंने कहा जी बस यही जगह थी और तो कोई जगह था देखने वाली नहीं है। तो मेरे दिन में आया कि अगर लाहौर में कोई स्ट्रेंजर आए, कोई टूरिस्ट अगर आए, तो बड़े आराम से हम उसको 10 दिन आराम से एंगेज कर सकते हैं। लाहौर हैज सो मेनी थिंग्स, लाहौर हैज सो मच वैरायटी कि इफ़ यू ब्रिंग एनी फॉरनर टू लाहौर, he will enjoy every bit of Lahore, every second in Lahore. 10 din to hum bilkul baghair bore hue badi easily hum guzar sakte hain. Yeah, so Lahore is beauty. Yeah, ye bahut important baat hai. Dr. Nadeem Bhatti sahab, aap as a vice chancellor Leeds University mein is waqt jahan par main is waqt aapka interview kar raha hu, to ye Leeds University ka experience kaisa aapka hai, yani ki thoda sa batayega please? देखिए, यूनिवर्सिटी में लीड्स यूनिवर्सिटी ही क्यों, मेरा जो तजर्बा था ज़िंदगी का वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही गुजरा। मेरा पढ़ना बिछोना ही यूनिवर्सिटी था। मैं यूँ समझ लें कि जब 18 साल का था तो मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी में ही हूँ। मेरा घर भी यूनिवर्सिटी के अंदर था, मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर ही पैदा हुए, तो यूनिवर्सिटी इज़ लाइक माई ड्रीम वर्ल्ड। अच्छा, अब आके जो मैंने रोल एक्सेप्ट किया लाहौर ली यूनिवर्सिटी में, ये एक डिफरेंट रोल था जिसमें आप हर चीज़ को ऊपर से देखते हैं। वहाँ आप स्टूडेंट्स बॉडीज़ को भी देखते हैं, वहाँ पे आप टीचर्स के सिस्टम को भी देखते हैं, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी को भी लुक आफ्टर करना है, और यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर कंपोनेंट को आपने इकट्ठा भी करना है और इंडिविजुअली मैनेज भी करना है। तो ये एक नई फीलिंग है, और
मुझे अच्छा लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आप पकड़ते हैं, उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं और जहाँ पे आपको वो ऑर्गेनाइजेशन मिलती है उसको कुछ लेवल ऊपर लेके जाते हैं, एंड दैट गिव्स यू अ सेटिस्फेक्शन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं चूँकि टीचिंग बहुत की, अब मैं टीचिंग नहीं करता, जो एक खूबसूरत लेक्चर आप क्लास में देते हैं वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो जितनी सेटिस्फाइंग वो फीलिंग है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेक्चर बनाते हैं और लेक्चर बना के आप यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर डिलीवर करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को आप जो सेटिस्फाई करके क्लास से बाहर निकलते हैं, तो उस फीलिंग का मुकाबला कोई नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर भी लग जाएँ, प्रेसिडेंट भी लग जाएँ। आपने देखा होगा कि वेस्ट में, अमेरिका में इट्स वेरी कॉमन, जो एक्स सीनियर ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, वो जब ख़त्म होते हैं अपनी जॉब से तो फिर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कि यूनिवर्सिटी इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इज प्रॉब्ली हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फाइंग प्रोफेशन। दैट्स व्हाट आई फील। या डॉक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नदीम भट्टी साहब जो वाइस चांसलर है लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के, इस वक्त मेहमान है ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील के। इस वक्त टाइम हुआ एक स्मार्ट से ब्रेक का, हम मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। के एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर दो फोर्सेज हैं जिन्होंने काम किया, एक है मार्केटिंग फोर्स। मार्केटिंग फोर्सेज वो थी कि मार्केट में इन रहने के लिए आपको क्वालिटी बनाना पड़ी, जैसे लम्स का एक नाम है आपको पता है, IBA कराची ने एक नाम कमाया, IBA सखर इज़ अ गुड इंस्टीट्यूशन, किंग एडवर्ड मेडिकल का इन्हें अपना नाम बनाया, ये इंस्टीट्यूशन ने नाम बनाया है अपनी क्वालिटी की बेस पे, और हर अदारा जो है वो ये चाहेगा कि हमारा क्वालिटी। तो वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज हमारे साथ शख्सियत जो मौजूद है डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, जो कि वाइस चांसलर है इस वक्त लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपका जो तल्लक है एजुकेशन से डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, ट्रेंड चल चुकी है बल्कि, तो इससे तलीबी म्यार जो मौजूदा हमारा है, इसमें कोई कमी आई है कि नहीं या होगी कि नहीं आने वाले दिनों में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इस पर देखिए। बात यह है कि पहले थोड़ा हमें ये जानना पड़ेगा कि एक वेलफेयर स्टेट में एजुकेशन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये गवर्नमेंट को के करने वाले काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। और मुझे याद है जब हम बचपन में थे तो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं था, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, स्टेट प्रोवाइड करते, और प्राइवेट डॉक्टर्स का रवाज नहीं था, स्टेट प्रोवाइड करती थी ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जो जो आबादी बढ़ती गई और एक्सपेक्टेशन फ्राम द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो बढ़ती गई, लोग इस बात की डिमांड करने लगे कि हमारे हमें क्वालिटी ग्रेजुएट चाहिए। अब तो गवर्नमेंट के अदारे में वो एबिलिटी नहीं थी कि जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर सके, नंबर भी नहीं कर सके और क्वालिटी भी नहीं प्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से फिर प्राइवेट सेक्टर इन हुआ। ठीक है, और प्राइवेट स्कूल खुले और बेशुमार खुल गए और कॉलेज बने और यूनिवर्सिटीज़ बनी। ये तो है उसकी बैकग्राउंड कि जिसमें आके ये बना। तो बेसिकली ये स्टेट की इनएबिलिटी है जिसको प्राइवेट सेक्टर ने आगे ब्रिज किया। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर जो है ये एक्चुअली ये रोल प्ले कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि वो काम जो स्टेट करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, एक और इंस्टीट्यूशन अमर्ज हुआ जिसने आके ये रोल ले लिया। ठीक है, और वो है प्राइवेट सेक्टर। अब आपका ये दूसरा सवाल बन गया कि इसमें क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज तो नहीं होगा? क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज होगा और हुआ भी है। जब बिजनेस बनता है तो फिर बिजनेस इज़ बिजनेस, कपाउटी इज़ कपाउटी, तो वो जो ओनर ऑफ द बिजनेस हाउस है विच इज़ यूनिवर्सिटी या कॉलेज, अपना एक माइंड वो कहीं कहीं कम्प्रोमाइज करेगा। लेकिन दूसरा इसका एंगल ये है कि जब आपने मार्केट में फिट रहना है, मार्केट में इन रहना है और मार्केट में कंपेटिटिव रहना है, तो फिर आपको क्वालिटी प्रोड्यूस करना ज़रूरी हो गया। तो क्वालिटी प्रोड्यूस करना प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन की मजबूरी है। तो बॉस, अब होगा ये कि राइट टू चूज जो है ये पब्लिक की हो जाएगी, कि वो इंस्टीट्यूशन जो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे लोग जाएंगे, और वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होगी वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, एक और इसमें रोल आ गया, एक नई बॉडी जिसने रोल प्ले किया, वो है HEC।
हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो पंजाब और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, उसने वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, उन्होंने परफॉर्मेंस रिव्यूज़ बनाए और उसने क्वालिटी अश्योरेंस के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन किए। अब हम लाहौर लीड यूनिवर्सिटी जो है ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन अब नहीं है, वी आर बीइंग गवर्न्ड एंड बीइंग कंट्रोल्ड बाय HEC व्हिच हैज़ इस होल टीम जो कि यूनिवर्सिटीज़ को सुपरवाइज करती है, हमें भी सुपरवाइज करती है। वो हमें बताती है कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, वो हमें बताती है कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो हमें बताती है कि आपने स्कॉलरशिप किस तरह देने हैं, वो हमें बताते हैं कि आपने एग्ज़ाम्स किस तरह बनाने हैं, रिकॉर्ड किस तरह लेने हैं, और फिर वो इसको इंस्पेक्ट करते हैं और चेक करते हैं और फिर वो पनिश भी करते हैं। ओके जी, अभी रिसेंटली हमारा रिव्यू हुआ UEC के थ्रू, हमारा इंस्पेक्शन हुई, हमने कंप्लीट पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एवरी सिंगल आस्पेक्ट जो है स्पोर्ट्स से लेके फाइनेंस से लेके टीचर से लेके लाइब्रेरी से लेके हर चीज़ को उन्होंने एवेल्यूएट किया, एक्सेस किया और थैंक्स गॉड के वी हैव बीन थ्रू। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है और वो यूनिवर्सिटी जो अप टू मार्क नहीं है उनको फिर वो बंद भी करते हैं, उनके प्रोग्राम भी होते हैं, फाइन भी होते हैं। तो ये एक कंट्रोल सिस्टम जो है ये साथ साथ अमर्ज हो गया है जिससे वो जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ होना है वो रिलेटिवली कम हो गया। तो क्वालिटी पे दो, जो आपका क्वेश्चन ये हुई है कि एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर दो फोर्सेस है जिन्होंने काम किया, एक है मार्केटिंग फोर्स। मार्केटिंग फोर्सेस वो थी कि मार्केट में इन रहने के लिए आपको क्वालिटी बनाना पड़ी, जैसे लम्स का एक नाम है आपको पता है, IBA कराची ने एक नाम कमाया, IBA सखर इज़ अ गुड इंस्टीट्यूशन, किंग एडवर्ड मेडिकल का इन्हें अपना नाम बनाया, ये इंस्टीट्यूशन ने नाम बनाया है अपनी क्वालिटी की बेस पे। और हर अदारा जो है वो ये चाहेगा कि हमारा क्वालिटी, तो उसके लिए क्वालिटी मेंटेन करना पड़ गई। सेकंडली ये है कि हमें जो गवर्नमेंट के जो कंट्रोलिंग और ऑपरेटिव बॉडीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे जिसकी वजह से क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। मिस्टर VC, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए, ज़रूरी है किसी फील्ड में भी। लेकिन हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये ज़्यादा कमर्शलाइज ज़्यादा हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे, मैं समझता हूँ, रूरल एरिया या पेरिफ्रीज एरिया में वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो कि शहरों में नज़र आती है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ज़रूरत उधर भी है, ठीक है। आप लोग एक पॉलिसी, जब HEC की भी बात आप कर रहे थे, तो ये पॉलिसी बनाते हैं, तो शहरों को क्यों, मेन सिटीज़ को क्यों फोकस किया जाता है और साइड एरियाज़ को जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ के साथ उतनी ज़रूरत एजुकेशन की भी है, आप लोग उस चीज़ों को क्यों पसे पर्दा रख देते हैं, प्लीज़। अच्छा देखिए, इसमें पसे पर्दा वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया में ही जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंट्रल अदर सिटीज़ में ही होती हैं, और तस्वीर ये है कि यूनिवर्सिटी में चूँकि कम लोगों ने यूनिवर्सिटी तक पहुंचना होता है, जैसे पाकिस्तान में कोई 6% लोग हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, तो वो फिर ट्रैवल करते हैं, हॉस्टलों में आकर रहते हैं। जैसे मैं जब हॉस्टल में रहता था तो पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से लोग एक ही हॉस्टल में आकर रहते थे और हम उसमें एक बड़ी खूबसूरत नेटवर्किंग होती थी, बड़ा खूबसूरत एक फ़िज़ा बनती थी हॉस्टल में, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के हर शहर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो अच्छी यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पर लोग दूर दूर से आएंगे पढ़ने के लिए। मैं वेरी इंटरेस्टिंगली, मैं अदर डे अपनी यूनिवर्सिटी में दो स्टूडेंट बाहर मुझे नज़र आए, तो मैंने रोक के पूछा भी आप कहाँ से हैं, उन्होंने मुझे कहा जी हम दादू से हैं। अब मैं आई वॉज नॉट रेडी एक्सपेक्टिंग कि कोई दादू से मेरी यूनिवर्सिटी में कोई दादू से स्टूडेंट पढ़ने आया होगा, बतेरा मैं नहीं। एक दिन मुझे स्टूडेंट मिल गए यहाँ पे DG खान के, तो 4-5 स्टूडेंट मेरे पास आए, तो किसी काम के लिए वो आए थे, तो मैंने सोचा कि ये दूर से पढ़ने आए हुए हैं तो मैं किसी दिन इनको बुलाऊंगा, कोई कब जाए पर बुलाऊँगा, इनसे पूछेंगे, इनके मसाइल पता करूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि DG खान से कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा मोर देन 100। अब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे पास यहाँ से DG खान से पढ़ने आए हुए हैं। इसी तरह बहुत बड़ी तादाद हमारे पास गिलगित से आई हुई है पढ़ने के लिए, तो अच्छे इदारों के लिए फिर लोग ट्रैवल करते हैं। और ये पॉसिबल अब नहीं है कि आप हर गाँव में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट जिसका बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लैब्स हैं, लेबॉरटरीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, महंगे प्रोफेसर हैं, वो पूरा सिस्टम आप हर गांव में नहीं ले जा सकते, यानी कि पॉसिबल नहीं है। सेंट गवर्नमेंट्स ने पिछले 2-3 गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं उन्होंने ये इस पर फोकस किया कि हर बड़े शहर में यूनिवर्सिटी बन जाए। अब आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा बनी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बनी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला बनी, गुजरावाला में पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ वहाँ बन गई हैं, जंग में यूनिवर्सिटी बन गई,
साहिवाल में यूनिवर्सिटी बन गई। इट्स अ गुड साइन। तो इट्स अ गुड साइन कि हम हर शहरों में यूनिवर्सिटियाँ बनती जा रही हैं। वो जो आपका ये कंसर्न है कि अब हर गांव में तो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकती, लेकिन हर शहर में यूनिवर्सिटी ज़रूर हो ताकि वहाँ के जो मकामी गाँव के लोग हैं वो बेनिफिट ले सकें। जी जी नाज़र, आप देख रहे हैं डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, वाइस चांसलर लीड्स यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त एक स्मार्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखिए, हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर हम पॉजिटिव नहीं लेंगे तो यही तो आएगी और ये एडवांस फॉर्म में आएगी, ये हमें रिप्लेस करके चले जाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में डॉक्टर साहब आज हमारे साथ नशिस्त में मौजूद है। डॉक्टर साहब दुनिया बदल रही है आफ्टर कोविड, आपको पता है कि हमारा हर मियार, तलीमी मियार भी हो चाहे कुछ भी, जिद्दत आ गई है, सब कुछ उसको क्या डिजिटलाइज हो गया, वर्ल्ड डिजिटलाइज हो गया। डॉक्टर साहब, एक नई चीज़ आज को सुनने को मिल रही है, AI किस तरह से इम्पैक्ट करेगी मौजूदा जो सिस्टम है तलीम का, उसका स्पेशली तरक्की पजीर ममालिक जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है आपकी राय देना। बड़ा आपने बहुत सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आपने टच किया है, और आपने बड़ा सही जर्नी स्टार्ट किया है कोविड से। पहले थोड़ी सी बात मैं कोविड पर करना चाहूँगा कि कोविड एक ऐसा सानिया कहेंगे जो कि दुनिया सारी को फेस करना पड़ा, और हम उसके लिए तैयार नहीं थे। ओवरनाइट एक सर कोई भी तैयार नहीं, वबा आई और पूरी दुनिया के इंसान इस काम के लिए तैयार नहीं थे। रातों रात यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गए, तालीमी सिलसिला जारी रहना था। अब क्या हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटीज जो हैं पूरी दुनिया की वो ऑनलाइन पे कन्वर्ट हुई। इससे पहले तसव्वुर ये था कि ऑनलाइन इन्फीरियर एजुकेशन, जैसे पाकिस्तान में अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री को समझा जाता रहा कि ये इन्फीरियर है बाकी यूनिवर्सिटियों से, लेकिन कोविड ने आके ये मिथ ब्रेक किए कि ऑक्सफोर्ड भी, हार्वर्ड भी, स्टैनफोर्ड भी, ये सारे जो हैं ये कन्वर्ट हुए ऑनलाइन पर। अब वो दो साल हमने इसमें गुजारे, टीचर तैयार नहीं थे इसके लिए, मटेरियल तैयार नहीं था इसके लिए, इक्विपमेंट था नहीं लोगों के पास, और पाकिस्तान जैसे आपने कहा तरक्की पजीर ममालिक में लोगों के पास, लड़कों लड़कियों के पास लैपटॉप नहीं थे, प्रैक्टिस भी नहीं, घर में कंप्यूटर नहीं थे उनके पास, टीचर्स जो थे उनको प्रैक्टिस नहीं टीच करने की। बिल्कुल, तो ये एक मुश्किल मरहला था जिससे हम जैसे तैसे गुजर गए, और अब ज़रूरत इस बात की आ गई कि लोगों को पूरी दुनिया के एजुकेशनस को मिल के बैठना चाहिए कि खुदा न खास्ता इस तरह का वबा एक दफ़ा अगर फिर आ गई तो फिर क्या होगा। तो जो हमने सबक सीखे COVID-19 से उसका कहीं समरी बननी चाहिए कि ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, युगंडा में, किनिया में, कनाडा में, जापान में, चाइना में जो प्रोफेसर्स थे, जो तालिब इल्म थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़े, उसका कहीं डेटाबेस बने। उस डेटाबेस की बुनियाद पे अगला कोई एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इवाल्व तरतीब दिया जाए। बिल्कुल, वो हुआ। अच्छा, इसी में जहाँ पे कंप्यूटर साइंसेस डेवलप हो रही थी, उन्होंने AI वहाँ पे एंटर हो गई। अब AI का अपना एक पूरा तरीकाकार है और वो इम्पैक्ट कर रही है हर चीज़ को, इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी हेल्थ साइंस के इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी एजुकेशन को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पहले लोग अप्लाई करते थे, जाके कागज़ के ऊपर दरख्वास्त दी, 60 डॉक्यूमेंट लगाए, और वो फिर उसमें से सॉर्टिंग होती थी, सॉर्टिंग के बाद इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के बाद। अब AI ने कहा कि नहीं, पोर्टल के ऊपर अप्लाई करें, पोर्टल ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग करेगा, ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा, जो लोग करीब सर होंगे करके वो रिक्वायरमेंट को स्क्रीनिंग करके, आपको 4 लोग चाहिए वो 10 लोग आपको बना देगा, इनके सिर्फ इंटरव्यू करें, दैट्स इट। अच्छा, अब ये जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ गई कि जिसको ह्यूमन माइंड के करीब तर ले आ जाए, ये वैसे एक खतरनाक भी एक नए ट्रेंड बन रहा है कि इंसान रिप्लेस हो जाएंगे और इंसान ऑब्सोलीट होते जाएंगे। कैसे, आपकी जो जॉब आप इस वक्त कर रहे हैं, जब आपकी जॉब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक रोबोट आ जाएगा तो यू विल बी आउट। इसी तरह मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम करने के लिए जब मशीन आ जाएगी तो आई विल बी आउट। तो बहुत सारे इंसान जो है वो जब आउट हो जाएंगे, शेल्फ लाइफ इंसानों की कम होती जाएगी AI की वजह से।
लेकिन एजुकेशन में अब टीचिंग फ़र्क पड़ेगा, टीचर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ेगी अपनी टीचिंग में, और वो जो कन्वेंशनल टीचर था जो आता था क्लास में अपने कॉन्फिडेंस वो बदल जाएगा। अब हमने अपनी यूनिवर्सिटी में लाहौर डी डी यूनिवर्सिटी ने हमने बकायदा अभी एक सेमिनार अरेंज किया हुआ है जिसमें हमने आईटी के एक्सपर्ट्स को बुलाया कि सारे टीचर्स को कॉन्फिडेंस मिले कि एआई अब कैसे हमारी क्लास में एंटर होगी। और अब ये एक फियर बनता जा रहा है कि टीचर्स शायद रिप्लेस हो जाए, क्लासरूम में टीचर खत्म हो जाए। ये परसेप्शन है जी, एक यानी कि कुछ भी हो सकता है। वो अलग बात है कि मैं अभी भी समझता हूँ कि क्लासरूम में आके जो बोलना है टीचर का, उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, लेकिन एआई ने बेशुमार बच्चे ब्रेक कर दिए। डॉक्टर साहब ये तो भी शुरुआत है, ये तो 2023 है और ये पहली चीज़ आई अभी है कि 2025 तक 2025 तक इस तरह के बहुत सारी चीज़ें भी आने वाली हैं। इसने कहाँ लेके जाना है? तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान की, अगर हम बात करें, ठीक है, ये पाकिस्तान का मियारी तलीम तो पहले ही वैसे आपको पता है जैसा है, तो क्या ये रवायती तलीम जो है ये ख़त्म हो जाएगी आने वाले दिनों में कि ट्रांसफ़र टू एआई फॉर डिफरेंट टूल्स? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का पहला जो असर पड़ना है वो पढ़ना है बुक्स के ऊपर, किताब शायद ख़त्म हो जाए और उसकी बजाय डिजिटल आ जाएगा। जो क्लासरूम में टीचर है वो रहेगा लेकिन कुछ देर के बाद शायद वो भी रिप्लेस होना शुरू हो जाए। टीचर के लिए टेस्ट बनाने अब आसान हो जाएगा, वो एआई को कहेगा मेरे लिए टेस्ट बनाओ, वो टेस्ट बना देगा। स्टूडेंट के लिए नोट्स बनाने ईजी हो जाएंगे, वो एआई को कहेंगे मेरे लिए, तो एआई हेल्प करता जाएगा जैसे कोच गाइड होता था। वो पॉजिटिव लें हम इस साइड को? देखिए हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर हम पॉजिटिव नहीं लेंगे तो एआई तो आएगी और ये एडवांस फॉर्म में आएगी, ये हमें रिप्लेस करके चले जाएगी, हमें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब बात फिर वही आ जाती है प्लानिंग, हम लोग इसके लिए तैयार ही जैसे कोविड के लिए नहीं थे। अभी भी हमारे यहाँ चलो यूनिवर्सिटी लेवल्स पर जिस तरह आपके यहाँ सेमिनार एक होने जा रहा है या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में होगा, तो ये खास स्टैंडर्ड तक इसको एआई को एक्सेप्ट किया जाएगा। आम स्कूल्स और कॉलेजेस तो जहाँ पर भी रवायती तलीम भी पूरे तरीके से ना कोर्स अवेलेबल होते हैं ना टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वो लोग इस स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट कर पाएंगे और किस तरह से लेके वो चलेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। एक पहलू भी है कि हमें पहले तो इस, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि पहला काम यह है कि हमें रियलाइज़ करना कि फ्यूचर में के पहले तो कौन कौन से एजुकेशन के एरिया जो हैं वो ऑब्सोलीट होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। जैसे आप एमए करते हैं हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, बिजनेस में, उर्दू में, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है ये हमें पहले तो ये समझना चाहिए बीइंग एन एजुकेशनिस्ट। दूसरा हमें ये जानना चाहिए कि ये जो डेवलपमेंट आ रही है इसके रिजल्ट में कौन से नए सब्जेक्ट अमर्ज हो जाएंगे, और उसमें से ये एक एआई है, डाटा साइंसेज हैं जो पहले नहीं थे अब आएंगे, प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग की अब नई शक्लें आएंगी, एडवांस शक्ल आएंगी, ये आएगा, बिग डाटा है ये अब आएगा। अब हमने फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो उसमें एक्सपर्ट बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं। इंडिया में तो हर बहुत उन्होंने एडवांस किया, लेकिन हमारे पास भी बहुत बिग पूल है लोगों का, और हमने अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी यूनिवर्सिटी में लाहौर यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में हमने ये सारे सब्जेक्ट ऐड किए हैं, और हमारा अब जो स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंसेस में उनको एआई का भी पता होगा, उनके फंक्शन का भी पता होगा, उनकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो भी जानते हैं। बल्कि इस मंडे को हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी एग्जीबिशन हम करा रहे हैं इस सारे प्रोजेक्ट की, आपको बल्कि दावत है, आप आएँ हमारे पास, देखें कि हमारे स्टूडेंट जो है वो क्या क्या। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी खुशहाल बात है। डॉक्टर साहब फिर वही बात आ जाती है जिसके ऊपर मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा कि एआई इज़ ए वन टूल, फिर अदर टूल्स अभी आने वाले हैं, ठीक है। हमारी जो रवायती यहाँ का पाकिस्तान का तलीमी मियार है वो उसको, उस सिस्टम को किस तरह से डाइजेस्ट कर पाएगा, हम तैयार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि हमें होने के बाद पता चलता है। नंबर एक, जब ये हो जाता है डॉक्टर साहब तो फिर डिग्रीज की वैल्यू क्या रहेगी, सर्टिफिकेशंस की वैल्यूज क्या रहेगी, कि वो भी चीज़ें सब चेंज हो जाएगी? वो भी हो जाएंगी कि अब वर्ल्ड में एक डिबेट चल रही है कि ये जो कॉन्सेप्चुअल डिग्रीज थी, फिलोसफीज और कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए जाते हैं, इसको रिप्लेस किया जाए स्किल्स के साथ। और अब बहुत सारे दुनिया में मास्टर डिग्री करने का ट्रेंड कम हो गया है,
लोग कहते हैं बैचलर डिग्री आपको हो, पास हो, स्किल्स आपको आना चाहिए और आप वर्क प्लेस पर आ जाएँ। तो एक आपकी बात का जवाब यह है, एक तो फिर उससे इस पर कन्वर्ट होंगे। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशन जो है, इदारे जो हैं, इदारों को भी ये अंडरस्टैंड अब करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हमें अब इनकॉर्पोरेट करनी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इनकॉर्पोरेट कर ली है अपनी यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब रह गया गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट आपको पता है हमारे जैसे डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट करती हैं, ये भी उसी का पार्ट बनेगा। लेकिन जो इंडिविजुअल टीचर है उसको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मैंने जब टीचिंग शुरू की थी तो हमारे वो ग्रीन बोर्ड होते थे, चाक होता था, तो चाक से वाइट बोर्ड पर आए, वाइट बोर्ड से प्रोजेक्टर पर आए और फिर पावर पॉइंट्स आई। तो हमने तो कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने पावर पॉइंट के मुताबिक अपने आप को, हमने एक्सेल सीखा, हमने एमएस ऑफिस सीखा। तो अब जो टीचर आ रहे हैं, जो अब जो टीचिंग में प्रोफेशन में जिन्होंने लास्ट करना है, वो होंगे जिन्होंने एआई को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी टीचिंग में, और जो नहीं करेंगे वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं हर जगह पर पूछने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, हम इंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे अपने कॉलेजेस में, अपने एजुकेशन में। हमारे यहाँ इंटरप्रेन्योर्स निकलना कम हो गए हैं, जो कि ज़रूरत है किसी अदारे की भी, किसी इंडस्ट्री की भी। आपका अदारा इसमें क्या काम कर रहा है इसके ऊपर? मैं, अगर आप ये सवाल मुझसे इस तरह पूछते कि आपकी भी एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की 250 यूनिवर्सिटियों में से एक, एक, तो आपका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, हाउ आर यू डिफरेंट देन अदर्स, इसको ऐसे ले, मेरा जवाब यही होता जो आपका सवाल है। वो ये है कि हमने रियलाइज़ किया कि अब जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉई पैदा करने वाला कल्चर है ये बंद होना चाहिए, अब एम्प्लॉयर पैदा किए जाएँ, और हमने इस पर काम शुरू किया एंटरप्रेन्योरशिप पर। एंटरप्रेन्योरशिप पे जो हमने कहा कि यूनिवर्सिटी एक इदारा ऐसा हो जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोड्यूस करने का एक्सपर्ट हो। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ कम से कम, वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। स्टैनफोर्ड इज़ ए बिग नेम, जहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ वहाँ से निकले, और सिलिकॉन वैली में कंपनीज के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव जो हैं वो स्टैनफोर्ड। तो हम उस मॉडल को फॉलो इस तरह किया हमने कि 3 स्टेप हमने बनाए। कि पहला स्टेप ये है कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जाए। लोगों मीन जो स्टेक होल्डर्स है, विच आर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। कि टीचर का पहले माइंडसेट बनाना बड़ा ज़रूरी है कि अब आप एम्प्लॉई पैदा नहीं कर रहे। वो टीचर जो बार बार क्लास में जाकर तकरीर करता है कि ये सीखने से आपको नौकरी मिलेगी, ये करने से आपको जॉब मिलेगी, नहीं, जबकि उसके अपने हालात ख़राब होते हैं। अब आप क्लास में जब जाएंगे तो आपने ये कहना है कि ये पढ़ के आप बिजनेस कर सकेंगे। तो एक तो पूरा कल्चर स्टूडेंट का भी, टीचर का भी, और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का भी, एक ओवरऑल ये कल्चर हमने प्रोड्यूस चेंज करना पड़ेगा। तो लोगों का माइंडसेट बदला जाए कि अब हमने एम्प्लॉयर पैदा करने, एम्प्लॉई पैदा नहीं करने। तो ये कहाँ तक किया आप लोगों ने? हमने अब इस पर काम कर दिया। हमने एक बाकायदा इसके लिए एक जॉब क्रिएट की, एक पर्सन को हमने इस काम के लिए अपॉइंट किया है और जो इसका एक्सपर्ट है। सेकेंड उसका लेवल ये होगा कि हम फिर ये पढ़ाएंगे और हमने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देंगे। तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट काम है वो है मनी। कि आइडिया हमने ट्रेनिंग दे दी, आपने आइडिया भी ले लिया, अब आपके पास आइडिया है, आपको ट्रेनिंग भी है, आपको पैसे भी है। फिर हमने वेंचर कैपिटलिस्ट का एक पूल बनाना है और वेंचर कैपिटलिस्ट को फिर लेके आना है कि जो हमारे, जैसे अभी मैंने बताया मंडे को हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो इसका हमने मीडिया कवरेज भी कर रहे हैं और इसमें हमने वेंचर कैपिटलिस्ट को इन्वाइट किया है कि यू बाई द प्रोजेक्ट नाउ, ये देखें ये प्रोजेक्ट है, ये अगर इकोनॉमिकली आपको वायबल लगता है यू बाई इट, इसमें फंडिंग करें। दुनिया में ऐसा होता है। ये 3 स्टेप प्रोग्राम पे हमने एंटरप्रेन्योरशिप का एक, और हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम प्राउडली इसको एज ए स्लोगन मार्केट करेंगे कि दी एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी बात, यूनिवर्सिटी जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोड्यूस करती है, अमेजिंग। और हमारे पास एक एग्जांपल है लाहौर में, एक स्पीरियड की बात करें हम, स्पीरियड वाले बहुत अच्छा इसके ऊपर अब्दुलरहमान साहब काम कर रहे हैं, उनके यहाँ से भी बड़े अच्छे दोस्त निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा डॉक्टर साहब अगर आप लोग ले, क्योंकि किसी इंडस्ट्री का भी ग्रोथ अगर देखा जाता है तो एंटरप्रेन्योरशिप से है। हमारे यहाँ हम रवायती वो ये ली बात है एजुकेशन के ऊपर रह के, एक टीचर जिसके हालात अपने अच्छे नहीं होते वो क्या एंटरप्रेन्योरशिप की, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलना चाहिए और आप एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर होना चाहिए। बिल्कुल, और देखें पूरी वर्ल्ड में
अराउंड 61% एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अमेरिका में प्रोड्यूस होते हैं, राइट? या राइट, और दैट मेक्स अमेरिका नंबर वन कंट्री. 61% बिजनेसमैन वहाँ से प्रोड्यूस होता है. और यू नो कि नंबर टू कंट्री कौन सा है? इंडिया. सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में बिल्कुल. और हम जहाँ क्रिकेट के मुकाबले करते हैं, हम गाने मौसीकी के मुकाबले करते हैं, हमें अब इन मुकाबलों में आना चाहिए. हमें अपने मुकाबले के जो मैदान हैं वो बदलने चाहिए. और वो ये है कि हम तालीम में मुकाबला करेंगे, हम भी वो काम करेंगे जो दुनिया के लीडिंग नेशंस कर रही हैं. उसमें मुल्क भी खुशहाल होगा, उसमें हमारा तालब भी मोहताजी से निकलेगा, और उसमें वो जो रवायती मुलाजम और एम्प्लॉई का ज़िंदगी का सफ़र होता है कि वो बेचारा मरने तक एक मोटरसाइकिल लेने के काबिल होता है, अगर बहन की शादी करनी है उसके फंड में, तो उस सारी स्ट्रगल से उसको बाहर निकालें कि वो तो उसकी ज़रूरी है. एंटरप्रेन्योरशिप सर, आपने इंडिया का भी कहा, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप एज ए इंडस्ट्री काम कर रही है. और वो आपको पता है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप से निकल के हम आई टी की फील्ड में आए तो वो सेकेंड लार्जेस्ट, बल्कि कहें तो इंडिया एक्सपोर्टर इस वक्त दुनिया में इंडस्ट्री के हवाले से. लेट्स सी, अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाल्लाह ताला. पाकिस्तान इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान में उम्मीद है, बाहर रख सहरे सुबह होने तक. बहुत पोटेंशियल है इस कंट्री में, बहुत पोटेंशियल है यहाँ के लोगों में. नो डाउट, नो डाउट. उनको वो ये मट्टी बड़ी दरखेज है जी, जरा थोड़ा नाम दे रहा है, नाम देने के लिए बैठे हैं. क्या ख्वाब ऐसा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? पर्सनली डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, देखें मेरी जो अपनी ज़ात की हद तक चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी ख्वाहिशें रखी थी वो सारी हो ही गई हैं. कोई एक ख्वाहिश, लेकिन अब ये दिल करता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करके जाया जाए कि जहाँ पे रहती दुनिया तक क्वालिटी प्रोड्यूसर हो, और ऐसे लोग प्रोड्यूस हों जो अपने गरीब घरानों को अपलिफ्ट करें, इस मुल्क को स्ट्रेंथ करने में अपना रोल प्ले करें. और वो जज्बा है जो मैं लेके लाहौर यूनिवर्सिटी में आया हूँ कि बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो गांव में उनका जो बाप बैठा वहाँ भेड़ बकरियाँ चरा रहा है उसकी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आएँ, अपनी माँ की ज़िंदगी में खुशहाली लेके आएँ, अपनी ज़ात को लेके आएँ. और एक इदारा जो फिर हमारे बाद भी चलता रहे, ऐसे सिस्टम आप बना जाएँ कि अच्छे लोग प्रोड्यूस होते रहें वहाँ. कि तेरा नाम होगा तेरे जाने के बाद, ये कुदरत कहेगी खुद फ़कत तेरे आने के बाद. डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग आपके गुफ्तगू रही. थैंक यू. और ख्वाबों से तबीर तक का यह सिलसिला हमेशा आप जैसे लोगों की वजह से ही ये बज़म जो है रोशन है वो चलती रहेगी. आपके मैं तमाम बातों से बहुत सहमत भी हूँ, सेटिस्फाई भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अदारे मौजूद हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिसको आप हेड कर रहे हैं. और मेरी ख्वाहिश है मैं जब दोबारा लीड्स यूनिवर्सिटी में आऊँ तो ये सारी चीज़ें वाकई इस तरह से एग्जीक्यूट हुई. मेरी भी ख्वाहिश है कि आप हमें किसी वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं आके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वी आर रियली स्ट्राइविंग फॉर दैट. चलो, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का. थैंक यू वेरी मच. आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, जिन्होंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो कि पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रांड है स्टील इंडस्ट्री का प्रोड्यूस प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए. और हमारा यकीन है पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करें, यही मॉडर्न स्टील का पैगाम है. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका भी, आपके स्पॉन्सर का भी बहुत शुक्रिया. शुक्रिया जी. नाज़रीन, आप देख रहे थे डॉक्टर नदीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में. उम्मीद है कि आपको ये ख्वाबों का सफ़र अच्छा लगा होगा. और आज से लेकर अगले सफ़र तक के लिए शाहिद मियाँ को इजाज़त दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद. मैं अपने गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो. चल. अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं. ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए. घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे. मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं.